Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. If you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe, like, share and do comment on my videos. And also please don't forget to press on the bell icon. तो जनाब आप देख सकते हैं हमारी मॉर्निंग कैसे हुई। क्लीनिंग से हमारी मॉर्निंग शुरू हुई और उसके बाद हम शॉपिंग करने निकल पड़े। सो गाइस एज यू बेटर नो रमजान आ चुका है और काफ़ी चीज़ें हमें लेनी थी। सो बेसिकली वी वेंट फॉर द ग्रॉसरी। पहले हमने ग्रॉसरी की, उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली जाए। सो हम वो देख रहे थे कि क्या क्या कलेक्शंस आए हुए थे, न्यू वेराइटी आई हुई थी। सोचा कि आप लोगों के साथ भी उसको शेयर कर लिया जाए। सो गाइस शॉपिंग का इरादा हमारा इसलिए भी बन गया था बिकॉज़ हम पाकिस्तान जा रहे हैं वापस, तो हमने सोचा कि रिलेटिव्स के लिए भी कुछ लिया जाए। इसी के साथ हम घर पहुंच चुके थे और नमाज का वक्त हो चुका था। सो मैंने नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है मैंने अपने नेफ्यू को फीड करवाया। सो आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा था। सो बेसिकली हमारा आज का प्लान था बाहर अफ्तारी करने का। सो आप देख सकते हैं हम बाहर आ चुके थे। सो बाहर का सीन कुछ यूँ था कि काफ़ी ठंड थी और हवा की वजह से सारे कप्स हमारे इरादा तो काफ़ी दिनों से यही था कि कुछ ग्रैंड सा सेलिब्रेशन होगा, मींस आउटडोर अफ्तार पार्टी कुछ ग्रैंड सी होगी। लेकिन फिर हम काफ़ी जो है लेज़ी हो चुके थे और हमने जो है बहुत लाइट सी कुछ अरेंजमेंट की और हम निकल पड़े। सो गाइस मौसम काफ़ी सुहाना और खुशगवार था और हम काफ़ी एक्साइटेड थे कि कब जो है गरम गरम टिक्के बनेंगे और हम खाएंगे। लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली कोल हीटर भी नहीं हो रहा था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। सो हमने थोड़ा सा लाइट सा खा लिया था और उसके बाद जो है हमने कहा जब बनेंगे तभी खा लेंगे। तो पकौड़े खाने के बाद और थोड़ा सा लाइट खाने के बाद हमने तो नमाज पढ़ ली थी और उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा राउंड लगाया जाए और सीन देखा जाए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। और हमने देखा कितने प्यारे प्लेफुल डॉग्स थे, सो हमने वो इंजॉय किया। सो गाइस काफ़ी घूमने फिरने के बाद और रिक्रिएशन करने के बाद हम काफ़ी फ्रेश हो गए थे और हमने सोचा कि क्यों ना अब वापस जाया जाए और देखा जाए कि बारबेक्यू का क्या सीन है। और आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के बने हुए थे। मुझे तो काफ़ी भूख लगी हुई थी और मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था। इस माहौल में खाने का तो अलग ही लेवल का मज़ा था और हमने काफ़ी इंजॉय किया। सो अब हम सोच ही रहे थे कि अब घर वापस जाया जाए और हमें पता ही नहीं था कि इन्होंने हमारे लिए बहुत ही मज़े का सरप्राइज़ अरेंज किया हुआ था जो कि हमारे एनिवर्सरी का सरप्राइज़ था। और वी वर सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग द डेकोर। हम बहुत खुश हुए और हमने काफ़ी इंजॉय किया। सो एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन करने के बाद हम घर पहुंच चुके थे और साथ आते ही हमने चाय रख दी थी जो कि बहुत ही मज़े की बनी हुई थी बिकॉज मेरे हाथ की बनी हुई थी। सो इट वॉज क्वाइट ऑबियस। और साथ में मैंने अपने लिए चाट बनाया था बिकॉज लेट नाइट क्रेविंग्स का तो अलग ही लेवल होता है जो कि सेटिस्फाइड किए बगैर बंदा सो ही नहीं सकता। एनीवेज इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड टेक केयर।